शेरो, आज हम करने वाले गैस द इंच बाय मेजरिंग टेप। ले 7 इंच वीडियो चालू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। काश भी मरफा गा रही दिखे, तुम लोग सबको नाचना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज day 3 है और फिर से मैं हैदराबाद में हूँ। मैं क्यों हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक दिन के लिए हैदराबाद आया था। बेहतरीन शूट किया, 12 घंटे का शूट हुआ है भाई। पूरा हैदराबाद, ओल्ड सिटी, चार मीनार, जितने कोने भर का हैदराबाद है ना, पूरा मैंने 12 घंटे में एक्सप्लोर किया। और हाँ, वीडियो में कोई और भी है, अकेला हैदराबाद में ऐसा नहीं घूम सकता था, तो यहाँ पर स्पेशल जो हैदराबादी है उनके साथ हम घूमे थे, और एक नहीं 2 लोग। वैसे मुंबई में बहुत शॉपिंग हो गई, एक काम करते हैदराबाद में शॉपिंग करते, स्टाइलिंग करते कपड़ा, ठीक है? बता दो तुम लोगों, आ जाओ। और हम जा रहे आउटफिट लेने अभी। 10 मिनट में इवेंट पहुंचे, आउटफिट लेने पहुंचे। मैं तो सेट हूँ भाई, ये पैंट है और ये वाला शूज है। देखो गाइस, मेरा कुछ मूड नहीं है, मेरे को ये अच्छा लग रहा, बस भाई के लिए अपन आए हैं। तो H&M ज्यादा बेटर रहेगा, साइड मेरे पे सूट होता है भाई। एक्शन में कपड़े अच्छे हैं भाई, वेस्ट साइड में भाई। भाई मेरे को ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट इस पे नहीं पहनने वाला हूँ। मैंने जो एक पैंट लाया जिससे मैंने 2 दिन ऑलरेडी पहन चुका, मतलब क्यों मैं पैसे बर्बाद करूंगा जब मेरे पास वो कलर की पैंट है जो मुझे लेनी है। सुबह रेडी हो चुके हैं और हमारी बबली बुबलू आ गई है। शुमू कुचू 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 पुचू 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 पुचू, बदला लग रहा हूं मैं। बहुत प्यारे लग रहे हो, बाल जो आ रहे ना तुम्हारे, ओहो अच्छे लग रहे हो। तो ये देखो शर्ट रहा, ये जो वेबसाइट से, बट एक चीज है, थोड़ा सा हल्का सा महंगा लगा मुझे, 1500 का है। लाइक ऐसे शर्ट अगर मैं एक पावर लुक है लोखंडवाला में, वहां पर 700-800 में मिल जाता है। इट्स लुकिंग गुड यार, अच्छा लग रहा है। और ये घड़ी कल लोग पूछ रहे थे, दिस इज माइकल कॉर्स, ये बहुत पुराना है, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने कतर से लिया था, इंडिया में तो अवेलेबल है ही नहीं। बट दिस इज माई फर्स्ट सैलरी वॉच, जब मेरे को पहला सैलरी कतर में मिला था उसकी मैंने वॉच लिया था सबसे पहले। लेट्स गो, आ जाओ। सवाल करूंगा तेरे को गलत आंसर देना है, ठीक है? तेरा नाम क्या है? तेरी गर्लफ्रेंड है? सोचा है तूने? बहुत सोचा है इस पे भाई, इसने बहुत सोचा है भाई, इसने तो गलत ही आंसर देना ना। ओके, पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह डैडी है। सलमान खान शादीशुदा है? हाँ, 3 बीवी है। ठग भाई का असली नाम क्या है? लोकेश यादव। कोहली भाई का असली नाम क्या है? अनिमेश। माफिया, तुम्हारा वेट कितना है? 69। कितना कमा लेते हो महीने का? 1 रुपए, कभी भी 2 रुपए भी। सलमान खान की 2 पिक्चर का नाम? स्त्री और सिंघम 3। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? कुत्ता। सवाल जवाब पूछते हैं, फैंस हमसे मिलना है। मैं भाई आपका फैन हूँ भाई, क्या बात है भाई, भाई क्रेजी। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 month भाई। यार क्रेजी, बहुत अच्छा लग रहा है। वुकोंग मेरे को क्यों पसंद है, क्योंकि मैंने पहला ऐसा कोई AAA गेम है लाइफ में खेला था और उसे खत्म किया 2 बार। मुझे तैयार करो ना ऐसा, विल यू डू इट? एक मैराथन स्ट्रीम करूँ ये करके? इसका पूरा 12 घंटे में कर दूंगा भाई। यार मस्त लग रहा है भाई, ऐसा ऐसा ओ क्या करता है ना वो, ऐसा घुस 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 घुस। आपका इंस्टाग्राम क्या है? alok_k_v। समझ गए भाई को, भाई अप्रिशिएट करो, कमेंट करो भाई के फोटो पे, बहुत ही बढ़िया। 1 महीना लगा इनको एक एक चीज बनाने में यार, टू गुड भाई। अपने हाथ में मेजरिंग टेप, अभी क्या करना है इसको, मैं सारे क्रिएटर के पास जाऊंगा और उनको ऐसा मैं बोलूंगा पीछे से, इसको गेस करना है कि 6 इंच कितना है। अभी मेरे हिसाब से 6 इंच इतना हो रहा था और तुम्हारा भाई राइट है। अब उन लोगों को गेस करना पड़ता, देखते किसको इंच का नॉलेज है। आ जाओ, 6 इंच निकाल। हाँ अच्छा, एक दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग दी। ये 6 इंच है, आर यू श्योर? 5 इंच। साढ़े पाँच ऑलमोस्ट किया था। रेवल भाई ये लो, आपको 7 इंच गैस करना है, 7 इंच। लेट्स सी रेबल का कितना एक्सपीरियंस है मेजिंग टेप में। अरे गैस करो ना यार, मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपको जो करना है इसको छू ले। क्या ये 6 इंच है? नहीं कर रही, 6 इंच नहीं, 7 बोला। अच्छा अच्छा, हाँ 7 7, चल 7। हो गया हर चीज में आ रहा भाई इस बंदे का यार। लॉक कर दिया, ये भी 7 इंच
हाथ दिख रहा है एग्जैक्ट एग्जैक्ट अरे एग्जैक्ट है सिद्ध भाई, क्या बोल रहे हो यार, साथ दिख रहा नंबर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई का, मशहूर है सब चीजों में, गेस करने में 6 इंच आपको गेस करना है, ठीक है? रिएक्शन ये क्या कर रहा है तू? ये लो, 6 है, 7 ओवर एस्टिमेट कर दिया। नहीं भाई लेकिन कर रहा था, ऐसे ऐसे नाप नहीं ना, एग्जैक्ट होना चाहिए भाई। इसको बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है। क्या नाप रहे हो मेरा? अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? आपको 6 इंच गेस करना है। हाथ से नाप सकता हूँ? हाँ नाप सकते हो, कुछ भी कर लो। ये क्या नाप रहा है तू? ये कौन सी उम्र, ये कौन सी? 6 इंच लॉक कर दिया, हट जा छोड़ दे। That's 7, 7 इंच है, 7। माफिया आप तो लंबे चौड़े हो एकदम, 8 इंच तक खोलना है आपको। बोल दो। हाँ देखना नहीं है। कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ तक होगा, यहाँ तक चल रहा। यहाँ तक होना चाहिए। हाँ दे दे मेरे को। अरे ऊपर ऊपर थोड़ी क्या, सही है? लॉक है 8 इंच। हाँ? हाँ। अरे 9 इंच भाई, ऊपर हल्का सा मैंने थोड़ी किया, कुछ नहीं, इतना ही था भाई। मैं भाई 8 से ज्यादा है उनको, 8 से ज्यादा है। नहीं 9 इंच है पूरा। क्या यहां आता? अच्छा अरे तभी ऐसा माप रहा। अच्छा आप 4 इंच निकाले, ये 4 है लॉक? हाँ बे एग्जैक्ट 4 भाई, एग्जैक्ट। कैसे आपको पता एग्जैक्टली? हां बोल रहे थे ये 6 या 5 या पता है आपको? कैसे पता 4? उंगली के हिसाब से ना, मतलब समझे जो जो सही गेस कर रहे हैं। इंच पता किसके अकॉर्डिंग मान आप पूछे हैं? जिसका जितना है उसके अकॉर्डिंग। पागल है क्या? अरे हाथ, हाथ हां जिसका जितना, मैंने पूछा जिसका जितना हाथ है उसके हिसाब से वो गेस कर सकता है भाई। जैसे ये 6 हो गया, ठीक है? अरे ओ 7 पहली बार में अच्छा किया था मैंने। भैया मॉडल भाई, ह्यूज फैन ऑफ यू, ये रियल हो रहा है, पता नहीं कभी सोचा नहीं था आपसे मिल पाऊंगा मैं। एंड मेरे को आपको चैलेंज दे रहा है, बताओ आप इंचेस बहुत अच्छा गेस कर लेते हो कितना इंच क्या है, तो आपको मेजर टिप दूंगा और आपको इंच गेस करना है 6 इंच, ठीक है? ये लो 6 इंच, जितना एक्सपीरियंस उतना अच्छा इंच गेस कर सकता है भाई। पूरा नाप के कर रहे हैं यार, तुम्हारा भाई यू खोल के डाल दे, ले 7 इंच। अरे मेरे आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, लेफ्ट राइट करो, छूने पे कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से ये होगा, ये होगा पक्का लॉक? पक्का, ठीक है। क्या लगता है कितना इंच है? 4.5 5 मेरे को 4.5 लग रहा है। ओके 4.5 हाँ जीत गए आप। चलो आपको मैं एक पीसी गिफ्ट करता हूँ। तो 2 साल पहले हम आए थे, देखो याद है क्या एंट्री ली थी मैंने? वापस से ले जा। अच्छा अभी फिर से करना है? जा चलो लेके चढ़ जाऊँ मैं भी जाऊँ सीधा। तैयार है क्या हैदराबाद की पब्लिक? खाली चीखे मार लेना, मरफा करना। सो आ रहे हैं वो हस्ती बीजेएमआई के लेजेंड, और मैं ये मेरे टीचर है, बहुत लोग हैं टीचर है, तो काउंट डाउन देते हैं 10 8 7 6 5 4 3 कम ऑन प्रेजेंट करते हैं द ब्यूटी विद द ब्रेन आंदो जे। जहां जाते मौत डालते चीख मार सनाना पीरीरी मौत मैयत जनाजा। ये जो होटल बेचने की बात हो रही बिल्कुल पक्के है, तुम खरीदते ओनली 5 लैक्स। हाँ अरे सॉरी मेरे भाई, सॉरी हो गया बेटा, मैं लिख लू मिलना है। अच्छा आओ बैठो बैठो, क्या लग रहे रेबल भाई?
स्मार्ट लग रहे चमकार इनको चलता है लेकिन ले जाओ ज्यादा बोलो मत समझ इधर रखना ही नहीं इसको रख लो हैदराबाद में लप 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 मारेंगे है बहुत प्यारा लड़का है बहुत बहुत ही अच्छा है रेबल भाई बोलते हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं सारे क्रिएटर्स और साइनिंग चल रही है और मॉडल है और काश दीदी कैसे हैं आप लॉन्ग टाइम नो सी हाउ आर यू सिस्टर मेरा R15 किधर है वो तुम लाए थे ना मेरे लिए R1 लाए ना भाई ये रे श्रेयस भाई भाई आए और इन्होंने बॉल साइन करके मुझे दे दी तो एक और दे दो ना एक से क्या होगा बाद में उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी दी हाँ जिसपे इन्होंने अपना आईडी पूरा लिखा हुआ है और बोला अच्छा आईडी है ना नंबर नहीं है ना नहीं नहीं नंबर नहीं है तो ऐड करोगे ना अब ऐड करूंगा भाई वो रोज तुमको स्ट्रीम पे लेके खेलेंगे यू आर सो लकी यार हमारा स्लॉट खा गए आप क्या बात है तो भाई मैं निकल रहा पब्लिक की डिमांड है आखिरी मरफा करके निकलो अब पता नहीं कब आने मिलता है तो काश भी मरफा गा रही दीगे तुम लोग सबको नाचना आ जाओ लो दीदी बोटा जोक 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 लियो 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 अब मैं जा रहा हूँ ये देखो भाई नेक्स्ट टू रियलिटी है ना फुल रियल लग रहा है दिस फॉर 5 लाख रुपीज तो मैं यू टर्न मार के जा रहा हूँ फाइनली भाई ड्रीम एक खत्म सब कुछ खत्म हैदराबाद से अब मैं जा रहा मुंबई मतलब मैं एक दिन के लिए आया था दूसरा दिन रुका पूरा शूट किया बेहतरीन मजा आने वाला आप लोगों को और मैं आखिरी बार में सोचा कि क्यों ना हैदराबादी टेस्ट लेते तो मैं यहाँ पर हलीम खा रहा हूँ जो बहुत फेमस है जो भी हैदराबादी देख रहा है उसको समझ आता लाइक 650 रुपये का हलीम मिल रहा भाई और हम लोग वहाँ घर पे मतलब हम लोग के पहले भी मिलता था यहाँ पर लाइक 200 रुपये में मिलता 300 रुपये में मतलब डबल प्राइस है यहाँ पर अभी मार्जिन जो है वो जब भी मैं उसको एक दिन से ज़्यादा छोड़ के जाता ना वो नाराज़ हो जाता ठीक है एकदम गुस्से में देख रहा था लेकिन उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है ठीक है कस्टमाइज़ करवाया उधर बैठ के तो वो खुश हो जाएगा उसके सामने उसका रिएक्शन लेते और तुम्हारा को दिखाता हूँ मर्जीना के लिए भी इस बार कुछ लेके जा रहा हूँ मैं अब ये रहा अपना हलीम खा रहा हूँ आखिरी बार तो चीचा भी मेरे साथ ही जा रहे कैसे हो बढ़िया बढ़िया चीचा यहाँ पर सैंडविच खा रहे मैं हलीम खा रहा हूँ और सीधा मुंबई जा रहे सा सू करके अरे कैप्टन तेरा हल्लू चला रे आ गए हैं शेर के पास और क्या लाए डैड मार्जिन के लिए तो मार्जिन के लिए जो हमने कस्टमाइज करवाया है पहले वो देंगे उसे ये 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 इसमें अभी बैटरी डालेंगे तो लाइट हाँ मार्जिन इसमें बैटरी डालना पड़ता है 3 2 1 मार्जिन अरे हाँ अरे गले में लटका आपको क्या पसंद है हल्क ये लो आप बड़ा वाला मेरा हल्क लेके जाते अब ये आपका है वो बड़ा वाला मेरा ठीक है ये लो इसका पूरा टी शर्ट वगैरह सब कुछ है वाह चश्मा भी पहनता है और इसके इतने बड़े बड़े हाथ है मर्दीना जी के लिए है ये लो ऑलराइट गाइस सो घर पे आ चुके हैं फाइनली 3 दिन हैदराबाद में मजा आ गया जबरदस्त तुम लोग जितने भी लोग आए बड़ा हल्क भी मिल गया उसको छोटा हल्क भी मिल गया और दोनों से अभी कुछ ना कुछ कर रहा है वो अब उसकी मर्जी हो कहाँ पर उसको रखेगा तो सुबह 9 बजे मुझे यहाँ से निकलना है बूट कैंप पहुंचना है वहां पर एक शूट है मजेदार है बढ़िया तुम लोगों को मजा आता बताता हूँ मैं ब्रॉडकास्ट में एक्टिव रहना एंड गोल्डी भाई भी है तो उनसे भी मिलेंगे बहुत दिन बाद में मिल रहा हूँ गोल्डी भाई से तो कुछ फन कॉन्टेंट शूट करते आप लोग बताओ क्या कर सकते मैं अलविदा लेता हूँ बाय बाय हंसते रहो हंसाते रहो 900K जल्दी से कर दो बाबा अपने को और बहुत कुछ करना है अभी टाटा करो फ्लाइंग किस दो फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस आ